सेना के नरसिंह मैदान में 26 जून तक चलने वाली बालक और बालिकाओं की रॉक बॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ क्षेत्रीय विधायक करण महारा ने किया। उत्तराखंड में पहली बार रॉक बॉल प्रतियोगिता का आयोजन पर्यटन नगरी रानीखेत में किया गया है। फेडरेशन के उपाध्यक्ष ने बताया कि इससे पहले यह प्रतियोगिता दिल्ली और हैदराबाद में हुई। प्रतियोगिता में देश की 33 टीमें भाग ले रही हैं। और क्योंकि 32-33 साल के बाद कोई राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता रानीखेत में आयोजित हो रही है, इससे पूर्व में नेशनल हॉकी हमारे यहाँ होती थी, जिसमें ऑल एयर इंडिया से लेकर सारी अच्छी अच्छी टीम्स आती थी और इंदिरा गांधी जी उसका उद्घाटन करती थी। आज रॉक बॉल के रूप में एक नया नेशनल गेम हमारे यहाँ स्थापित हो रहा है और उसका राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता है। बहुत ही अच्छा माहौल है और खिलाड़ी भी करीब करीब 33 टीमें इसमें प्रतिभाग कर रही हैं, तो सभी बहुत अच्छे खिलाड़ी यहाँ आए हैं। मैं बहुत खुश हूँ कि शहर में एक बहुत बड़ा आयोजन हो रहा है। खेल जितने भी खिलाड़ी काफ़ी उत्साहित हैं और उत्तराखंड में खेल का स्तर ऊंचा उठे, ऐसी मेरी मनोकामना है। आज न्यूज के लिए रानीखेत से गोपाल सिंह विष्ट की रिपोर्ट। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखी गई वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।